ये है फ्रेंड्स यहाँ पे रेडियोन का टॉप मॉडल आप बोल सकते हैं। चलिए गिराइए, बाप रे, ये आप देख सकते हैं मतलब साउंड आया है यहाँ पर काफी अच्छा खासा। तो ये यहाँ पे चार लोग बैठने के बाद आप देख पा रहे होंगे कितना आपको यहाँ पे बाइक जो है वो इजीली यहाँ पे पुल कर रही है। बाकी यहाँ पे आप देख लें इसके इंडिकेटर वगैरह को फुल फ्लेक्सिबल है, मतलब पूरा मुड़ जा रहा है, कहीं से भी टूटने का कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं है, फुल फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है, मतलब 360 आप देख सकते हैं हम इसे यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं फिर भी ये नहीं टूट रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टीवीएस की तरफ से एक अनब्रेकेबल बाइक जो की 110cc सेगमेंट की ऑफरिंग। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे बाइक को जो है हम गिरा कर आपको दिखाएंगे लाइव, यहाँ पे अभी हम बाइक को जो है वो गिराने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से इसके बिल्ड क्वालिटी का आइडिया लग जाए। ये आता है फ्रेंड्स फुल यहाँ पे मेटल बिल्ड में, टैंक वगैरह जो है ये सब आप देख पा रहे होंगे मेटल में, लेग गार्ड काफी अच्छी क्वालिटी में है, और इवन अगर आप इसके एग्जॉस्ट को भी देखते हैं तो कंप्लीट ये कवर यहाँ पे एग्जॉस्ट कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो काफी अच्छा यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी मिल रहा है, वो भी एक यहाँ पे अच्छे बजट में। तो इसका जो ऑन रोड प्राइसिंग वगैरह है वो भी आपको हम वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले तो चलिए आपको हम बाइक गिरा कर दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ है रिजवान भैया जो कि अभी हमारी हेल्प करेंगे लाइव, यहाँ पे भी बाइक जो है वो गिरने वाली है। तो बाइक पे आप फोकस करें अच्छे से, यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका सबसे टॉप मॉडल है और अभी आप यहाँ पे जो है कंप्लीट बाइक हम गिराएंगे। तो देख सकते हैं बाइक गिरने वाली है, ये गई यहाँ पे बाइक हमारी नीचे। साउंड को आपको आइडिया लगा होगा, लाइव यहाँ पे बाइक हमने गिराई है, किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं है। आप अच्छे से नजदीक से आकर देख ले, एक एक पार्ट्स पे आप फोकस कर सकते हैं, यहाँ तक कि इंडिकेटर भी इसका नहीं टूटा है। तो ये एक आप बोल सकते हैं स्क्रैच भी नहीं आया, ना ही टैंक पे किसी भी तरह का कोई स्क्रैच है। तो ओवरऑल में फ्रेंड्स आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। मेटल का जो एग्जॉस्ट है वो आप देख सकते हैं, स्टॉक यहाँ पे मतलब आपको जो एग्जॉस्ट है वो मिल रहा है, जो कंपनी फिटेड आता है इस पे पूरा यहाँ पे कवरिंग है, इस पे भी स्क्रैच नहीं आया है। अब हम उस साइड से भी आपको गिरा कर दिखाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इस साइड एग्जॉस्ट है इसीलिए हमने इस साइड से गिराया, हम उस साइड से भी आपको गिरा कर भी दिखाते हैं। तो दोनों साइड से आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा, आप इस साइड से आकर देख लें यहाँ पे बाइक को। अब हम इस साइड से यहाँ पे गिराने वाले हैं, तो अभी ये जो बाइक है यहाँ पे गिरने वाली है, ये जा चुकी है नीचे, बाइक यहाँ पे गिर गई है। अब हम इसे यहाँ पे उठाते हैं, आप यहाँ पे डिटेल में आकर चेक करें, कहीं पे भी अगर आपको स्क्रैच दिख रहा है तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से। बाकी यहाँ पे आप देख लें लोगो वगैरह सब फ्रेश है, लेग गार्ड भी पूरा फ्रेश है, ऐसा नहीं है कि लेग गार्ड में स्क्रैच है, लेग गार्ड भी यहाँ कंप्लीट फ्रेश है, साड़ी गार्ड यहाँ पे लेडीज फुटरेस्ट सब आपको लगा हुआ मिल रहा है। तो कंप्लीट ये फिटेड एसेसरीज के साथ आता है, सीट वगैरह काफी अच्छी कुशनिंग में है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स बाइक पे चार लोगों को बिठाते हैं, आपको बिठा कर दिखाते हैं कि बाइक का जो पावर है वो कैसा मिलता है, मतलब बाइक का जो पुलिंग कैपेसिटी है वो कैसा है। ऐसे तो फ्रेंड्स दो लोग ही बिठाकर बाइक चलाना चाहिए जो कि यहाँ पे मतलब एक आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से रूल है और सेफ्टी के हिसाब से भी वही अच्छा है। बट अगर आप फ्रेंड्स पावर को चेक करते हैं, अगर आप पावर के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं इसका रियल पावर जो कि इंजन में आपको मिलता है 110cc में कितना पावर कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो अभी यहाँ पे रिजवान भैया बाइक को राइड करेंगे, चार लोग यहाँ पे बैठेंगे और बाइक को स्टार्ट करके हम थोड़ा दूर अभी लेकर जाते हैं, आपको एक प्रॉपर आइडिया लगेगा यहाँ पर बाइक के बारे में। बैठिए आइए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लोग जो है वो बैठे हुए हैं, अब यहाँ पर तीन लोग बैठ चुके हैं, एग्जॉस्ट भी काफी बेसी है और स्पेस भी यहाँ भी बचा हुआ है। थोड़ा सा आगे ले जा रिजवान पे, तो ये यहाँ पे चार लोग बैठने के बाद आप देख पा रहे होंगे कितना आपको यहाँ पे बाइक जो है वो इजिली यहाँ पे पुल कर रही है। हम थोड़ा इनसे पूछ लेते हैं कम्फर्ट में कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को बैठने में, कोई तरह का दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चार आदमी आराम से इस गाड़ी में बैठ करके ड्राइव किए। अब हम पीछे लेकर चलते हैं वापस से बाइक को और बाइक के बारे में हम बात करते हैं, जो भी हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल हो रहा है, कोई भी वीडियो में कट नहीं है, जो भी हो रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। अब चलिए बाइक के बारे में थोड़ा हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके ऑन रोड प्राइसिंग की बात करना चाहेंगे, तो हमारे साथ है यहाँ पे शोरूम के सेल्स मैनेजर, तो आप हमें थोड़ा इस बाइक का ऑन रोड प्राइस बताएं कि क्या जा रहा है। इसका ऑन रोड प्राइस है 91,800 रुपया और एक्सोरूम प्राइस है 76,826 रुपया। ठीक है, तो अगर हम उस हिसाब से अगर देखते हैं मतलब ऑन रोड प्राइस में तो क्या क्या इंक्लूड रहता है ऑन रोड प्राइस में? ऑन रोड प्राइस में आपका गाड़ी का एक्सोरूम प्लस इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन, ये सारा इंक्लूड रहता है, सारा कुछ इंक्लूड है। और एक्सेसरीज वगैरह का कुछ अलग से पैसा देना पड़ता है? एक्सेसरीज डिक्की वगैरह जो लगेगा वो उसका अलग से, बाकी जितना ये अभी बाइक खड़ा है इसमें सारा जो ऑन रोड है वो पूरा इंक्लूड है कंपनी का, इसमें कुछ अलग से नहीं देना, इसमें कुछ अलग से लेग गार्ड साड़ी गार्ड सब साथ में, सब साथ उसी वही प्राइस में, उसी प्राइस में सब है, लेग गार्ड साड़ी गार्ड सब लगा हुआ है। तो अगर आप सेगमेंट के हिसाब से देखते हैं मतलब 100-110cc में अगर आप देखते हैं तो ज्यादातर फ्रेंड्स मतलब आप बजट के हिसाब से देखते हैं, लुक्स के हिसाब से देखते हैं तो बाइक यहाँ पे काफी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे लुक्स आपको अच्छा मिल रहा है, कलर कंपनी अच्छा प्रोवाइड कर रही है। कितना कलर ऑप्शन आता है इस मॉडल? चार कलर इसमें है, चार कलर ऑप्शन है। ठीक है, तो चारों का स्टॉक मतलब मिल जाएगा हमारे पास सारा स्टॉक। और ये जो बाइक है E20 पेट्रोल को सपोर्ट करेगी, मतलब जो 20% इथेनॉल मिक्स वाला जो पेट्रोल आपका भी आ रहा है वो भी ये बाइक यहाँ पे सपोर्टेड है। तो उस हिसाब से फ्रेंड्स काफी फ्यूचर प्रूफ ये बाइक यहाँ पे बन जाती है।
अब वीडियो को फ्रेंड्स हम यहाँ पे एंड करना चाहेंगे। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सीएल टीवीएस गिरिडीह में। अगर आप गिरिडीह एरिया से बिलोंग करते हैं तो शोरूम विजिट कर लें, बाइक का स्टॉक्स आपको मिल जाएगा। एक बार हम जाने से पहले आपको बाइक और गिरा के दिखाना चाहेंगे ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से आइडिया लग जाए। रिजवान भाई एक बार और गिरा दे ताकि अपने ऑडियंस को जो है अच्छे से यहाँ पे आइडिया लग जाए इसके बिल्ड क्वालिटी का। तो ये यहाँ पे फाइनल अभी हम बाइक गिराने वाले हैं एक बार और। आवाज आपने सुना होगा, मतलब पूरा बाइक छोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाइक हम धीरे से गिरा रहे हैं, बाइक हमने पूरा कंप्लीट छोड़ दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब एक आपको यहाँ पे अच्छे से जो आइडिया लगेगा आपको, हम एक बार यहाँ पे डिटेल में जो वो दिखाना चाहेंगे। इसका सीट जो है सो बहुत लंबा सीट है, लॉन्ग सीट का लेंथ भी आप देख सकते हैं, किसी और भी मॉडल या कंपनी में इतना लंबा सीट नहीं है ताकि हम लोग चार आदमी आराम से बैठ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट में भी किसी भी तरह का कोई ये नहीं है। जो साइलेंसर है इसमें कवरिंग किया हुआ है, मान लिया कभी कभी हम लोग बैठते हैं तो गाड़ी चलाते हैं साइलेंसर गर्म हो जाता है तो उसमें पैर लगता है तो गर्म हो जाता है, लेकिन इसमें वो चीज नहीं है। नहीं, कवर दिया हुआ है, आपको नहीं लगेगा। बाकी यहाँ पे आप देख लें इंडिकेटर भी फुल फ्लेक्सिबल है, मतलब पूरा मुड़ जा रहा है, कहीं से भी टूटने का कोई चांस नहीं है। फुल फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है, मतलब 360 आप देख सकते हैं, हम इसे यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं फिर भी ये नहीं टूट रहा है। तो इससे आइडिया लगता है इसके बिल्ड क्वालिटी का, नो डाउट फ्रेंड्स काफी अच्छी है। लाइव आपको हमने यहाँ पे बाइक गिरा कर दिखाई, ऐसा नहीं है कि हमने बाइक गिराई हो, धीरे से गिराई हो, जितना हम यहाँ पे मतलब गिरा सकते थे प्रेशर से, मतलब बाइक हमने छोड़ दिया है। रिजवान भैया ने आप देखा होगा आपने किस तरह से बाइक को यहाँ पे गिराया है। तो अगर आप फ्रेंड्स डे टू डे कम्यूटिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इसके बिल्ड क्वालिटी का एक अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि कैसी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये बाइक आ रही है। तो ओवरऑल में फ्रेंड्स 90,000 रुपये अगर आपका बजट है तो एक बार आप इस बाइक का टेस्ट राइड लें, शोरूम विजिट करें, देखें बाइक आपको कैसी मिलती है, कैसी लगती है, चला के भी देखें। पावर भी बाइक में यहाँ पे काफी अच्छा आपको मिल जाता है और ओवरऑल में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टीवीएस का रिफाइंड इंजन भी देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।